अगर आप अपने बेडरूम या फिर हॉल के लिए एक बेस्ट 43 इंच की टीवी खरीदना चाहते हैं, वो भी अंडर 30,000 रुपीस तक की प्राइस में, और आप कंफ्यूज हैं TCL और Hisense की टीवी के बीच में कि आखिर इन दोनों ही ब्रांड में जो 43 इंच टीवी में QLED और LED पैनल की टीवी के ऑप्शन अवेलेबल है, उनमें से आखिर आपको अपने लिए कौन सी टीवी को खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको TCL और Hisense की 43 इंच टीवी के बीच में डिटेल कंपेरिजन करके बताऊंगा, जिसमें हम इन दोनों की टीवी के एक एक फीचर को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट बातें जो कि टीवी खरीदने से पहले आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। टीवीज में अलग अलग साइज के पैनल आता है, जैसे कि 32 इंच, 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच। इससे में आपको कितने साइज की पैनल की टीवी अपने लिए खरीदना चाहिए, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप जहां से भी टीवी को वॉच करेंगे वहां से टीवी देखने का डिस्टेंस कितना है। वीडियो के स्क्रीन पर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है जहां पर आपकी सिटिंग डिस्टेंस के हिसाब से टीवी के इंच की साइज भी दी है, तो आप इस वीडियो को पॉज करें और अपने लिए एक सही साइज की टीवी को परचेस करें। टीवी में ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और बेसिकली दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में टीवीज अवेलेबल होती हैं, जिसमें सबसे पहले आती हैं स्मार्ट टीवीज, और स्मार्ट टीवीज में आपको सैमसंग और एलजी की टीवी के ऑप्शन मिल जाता है। इन टीवीज में इनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। सैमसंग में टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, जबकि एलजी में वेब ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। इन दोनों की ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्ले स्टोर होता है उसमें लिमिटेड क्वांटिटी में ही एप्लीकेशन अवेलेबल होती हैं और आप उन्हें ही डाउनलोड कर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि जितनी भी रेगुलर OTT ऐप्स हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार और जियो सिनेमा, ये सारी आपको वहाँ पर मिल जाती है। वहीं दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है एंड्रॉयड टीवी और गूगल टीवी। ये दोनों ही गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड टीवी एक ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसमें जो भी खामियां थी उसे दूर करने के लिए ही गूगल ने गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों, इन दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको गूगल प्ले स्टोर मिल जाता है, जिसमें आपको वेब ओएस और टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले ज़्यादा एप्लीकेशंस मिलती हैं और आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपको जितनी भी रेगुलर OTT ऐप्स हैं वो भी वहाँ पर मिल जाती है। इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानने के बाद आखिर आपको कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की टीवी खरीदना चाहिए, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके यूसेज और आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर आप सेटअप बॉक्स के साथ टीवी देखना पसंद करते हैं या फिर आप रेगुलर OTT ऐप्स के कंटेंट को भी इंजॉय करते हैं, तो ऐसे में सैमसंग और LG की टीवी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको मल्टी टास्किंग के हिसाब से टीवी चाहिए, चाहे आप सेटअप बॉक्स के साथ टीवी देखें, OTT ऐप्स के कॉन्टेंट को इंजॉय करें या फिर गेमिंग खेलें, या फिर आपको ज़्यादा एप्लीकेशन का यूसेज रहता है, तो इस कंडीशन में आपको एंड्रॉयड टीवी और गूगल टीवी अपने लिए खरीदना चाहिए। लेकिन एंड्रॉयड और गूगल टीवी में से भी आपको गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली टीवी ही कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ये एक लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे तो दोस्तों, टीवीज में आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी के पैनल के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि LCD, LED, QLED और OLED। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम LED और QLED टीवी के पैनल की बात करेंगे, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं तो सिंपल सा ये है कि दोस्तों, इन दोनों ही टाइप की टीवी के पैनल के पीछे आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी वीडियो क्वालिटी मिलती है। लेकिन जो LED टीवी होती है उसमें जो LED लाइट्स होती हैं वो साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती है कंपेयर टू QLED टीवी के LED लाइट्स के मुकाबले। QLED टीवी में दोस्तों आपको क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिसमें LED लाइट्स आपको काफ़ी साइज में छोटी मिलेगी, जिसकी वजह से आपको कंपेयर टू LED टीवी के मुकाबले यहाँ पर वीडियो क्वालिटी काफ़ी शार्प मिल जाती है। अब हम TCL और Hisense की 43 इंच टीवी के बीच में डिटेल कंपैरिजन शुरू करते हैं। दोस्तों, इन दोनों ही ब्रांड में आपको QLED और LED दोनों ही टाइप के पैनल के ऑप्शन मिल जाएंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पर लेटेस्ट Google TV मिलता है, जो कि Chrome OS पर रन होता है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों यूज़ करने में काफ़ी स्मूथ है और आपको एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। वहीं रिजोल्यूशन की बात करें तो दोनों ही टीवीज़ में आपको 4K अल्ट्रा HD यहाँ पर रिजोल्यूशन मिलता है, और अच्छी बात यह है कि अगर आप इन दोनों की ब्रांड की टीवीज को 178 डिग्री वाइड व्यू एंगल से भी अगर वॉच करेंगे तो आपको एक ब्रिलियंट वीडियो क्वालिटी का एक्सपीरियंस होगा। वहीं रिमोट कंट्रोल की बात करें तो इन दोनों ही टीवी में जो आपको रिमोट कंट्रोल मिलता है उसमें आपको वॉइस कमांड का फीचर मिल जाएगा, यानी कि आप वॉइस कमांड देकर टीवी को ऑपरेट कर सकता है। साथ ही आपको OTT ऐप्स की हॉटकीज भी मिल जाती है, जिससे कि आप OTT ऐप्स को काफ़ी इजीली तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। वहीं वारंटी की बात करें तो आपको इन दोनों की ब्रांड की टीवी पर 2 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिल जाती है।
होती है। एक टीवी में रिफ्रेश रेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली दोस्तों, जब कभी भी आप टीवी में कोई भी वीडियो देखता है तो वो कोई वीडियो नहीं होता, जबकि मल्टीपल इमेजेस होती हैं जो कि रिफ्रेश रेट के कारण इतनी तेज़ी से चेंज होती हैं जिससे कि आपको एक अच्छी वीडियो क्वालिटी मिलती है। रिफ्रेश रेट आपको TCL की टीवी में QLED और LED दोनों ही पैनल में 60Hz का मिल जाता है, जबकि Hisense की टीवी में आपको LED पैनल में 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, जबकि आपको QLED पैनल की टीवी में 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। एक टीवी में रैम और रोम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, दोनों ही टीवी के LED पैनल में आपको 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, जबकि Hisense की QLED टीवी में भी आपको 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज ही मिलेगी, जबकि TCL के QLED पैनल टीवी में आपको जो स्टोरेज मेमोरी मिल रही है वो 32GB मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ करनी होती है और आपको स्पेस की ज़रूरत होती है तो ऐसे में दोस्तों TCL आपको जो है वो अच्छी स्टोरेज मेमोरी प्रोवाइड कर रहा है। वहीं कनेक्टिविटी पोर्ट की बात करें तो आपको TCL की टीवी में 3 HDMI और 1 USB पोर्ट मिलता है। वहीं ब्लूटूथ, गेमिंग कंसोल और 12 बैंड वाईफाई का सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। वहीं Hisense की टीवी में आपको 3 HDMI और 2 USB पोर्ट मिलेंगे, साथ ही ब्लूटूथ, गेमिंग कंसोल और 12 बैंड वाईफाई का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। यानी कि दोस्तों, जो TCL की टीवी है उसमें आपको केवल एक ही USB पोर्ट मिल रहा है, जो कि इस टीवी की एक छोटी सी कमी है। दोस्तों, अगर एक की जगह 2 USB पोर्ट मिलते हैं तो ऐसे में ये टीवी आपके लिए कंप्लीट पैकेज जरूर होती। फिर भी दोस्तों, एक USB पोर्ट से ही आपकी सारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। साउंड ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो आपको TCL की टीवी में 30W आउटपुट स्पीकर्स मिल जाता है, जो कि DTS, वर्चुअल एक्स और डॉल्बी एटमोस को सपोर्ट करता है, जिससे कि आपको एक अच्छी साउंड क्वालिटी मिल जाती है। जबकि Hisense के टीवी में आपको 24W आउटपुट स्पीकर्स मिल रहा है, जो कि डॉल्बी एटमोस को सपोर्ट करता है और डॉल्बी डिजिटल को भी सपोर्ट करता है, जिससे कि आपको एक अच्छी साउंड क्वालिटी मिल जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन दोनों की टाइप की टीवी में आपको QLED और LED दोनों ही टाइप के पैनल के ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही आपको HDR10 कंटेंट और HLG कंटेंट का सपोर्ट भी यहां पर मिल जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों, आपको वीडियो क्वालिटी इन दोनों ही टीवी में काफ़ी कमाल की मिलती है। अब बात करते हैं इन दोनों ही टीवी के प्रोज एंड कॉन्स की। दोस्तों, वीडियो क्वालिटी आपको इन दोनों ही टीवी में काफ़ी बढ़िया मिलेगी। गेमिंग पर्पज़ के हिसाब से अगर आपको एक टीवी चाहिए, चाहे अगर आप OTT एप्स पर हाई डायनेमिक रेंज के कंटेंट को अगर इंजॉय करना चाहते हैं या फिर सेटअप बॉक्स के साथ टीवी देखना चाहते हैं, तो इन दोनों ही टीवी का परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। लेकिन अगर हम कमी की बात करें तो आपको TCL की टीवी में कमी ये देखने को मिलती है कि इसमें आपको USB पोर्ट कम मिलता है, यानी कि एक ही USB पोर्ट आपको मिलेगा। वहीं जो बिल्ट क्वालिटी है वो कम्पेयर टू Hisense की टीवी के मुकाबले आपको थोड़ी सी यहाँ पर 19-20 देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों, अगर मैं Hisense की टीवी की कमी के बारे में आपको बताऊं, तो इस टीवी में आपको जो साउंड ऑडियो क्वालिटी स्पीकर्स मिल रहे हैं उनकी वाटेज आपको यहाँ पर कम देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों, जो स्टोरेज मेमोरी है वो आपको LED और QLED दोनों की टीवी में केवल 16GB की ही मिल जाती है, जबकि TCL की टीवी में आपको QLED पैनल में 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इन दोनों ही टीवी के एक एक फीचर्स और टेक्नोलॉजीज को जानने के बाद, प्रोज एंड कॉन्स को जानने के बाद, अगर आप इन्हें अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों, जो TCL की टीवी है उसमें आपको LED पैनल की टीवी फिलहाल मिल जाएगी 24,999 रुपये। वहीं आप QLED टीवी पैनल की टीवी को फिलहाल खरीद सकते हैं 28,999 रुपये में। वहीं Hisense की टीवी में आप LED पैनल टीवी को फिलहाल खरीद पाएंगे 24,999 रुपये। वहीं आप QLED पैनल टीवी को फिलहाल खरीद पाएंगे 28,999 रुपये में। इन दोनों ही ब्रांड की टीवीज की बेस्ट बाइंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें ज़रूर चेकआउट करें। तो ये रहा डिटेल कंपैरिजन TCL और Hisense की 43-inch टीवी के बीच में। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है हम बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और बहुत बहुत खुश रहें।